है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी को जय जय श्री राधे। सो आज हम करने वाले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुक मेकअप, बहुत ही ज़्यादा तो खैर नहीं, थोड़ा सा लाउड होगा क्योंकि इन्होंने बोला था कि तीज बोलते हैं इनके फेस्टिवल को, प्रॉपर मेरे को नेम ये नहीं याद, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है मेकअप, आप इसको पार्टी मेकअप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने जो वेट वाइप से क्लीन कर लिया, देन इसके बाद मैंने गुड वाइप्स का जो है सीरम अप्लाई कर दिया है। देन वी आर यूजिंग PAC फाउंडेशन ऑन द आईलिड एरिया, और प्रॉपर तरीके से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फाउंडेशन बचेगा वो हम जो है प्रॉपर नेक एरिया पे लगा देंगे ताकि वो वेस्ट ना हो और हमारे काम भी आए। तो बहुत ही सॉफ्ट लुक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो है लाइट शेड लेकर के क्रीज पे अप्लाई कर रहा हूँ ऑन क्रीज एरिया, ठीक है। क्रीज एरिया पर अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से देखना हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इजी स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो यहाँ पे मैंने पहले लाइट शेड लिया था, देन इसके बाद मैंने जो है डार्क शेड अप्लाई कर रहा हूँ। डार्क शेड के बाद फिर मैं और डार्क लूँगा। पहले मैंने मैरून शेड काइंड ऑफ लिया है, आप इसको मैरून भी बोल सकते हो या फिर आप डार्क ब्राउन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों ही शेड जो है मिक्स आ रहा था, ठीक है। देन इसके बाद मैंने PAC का ही ग्लिटर पैलेट होती है एक शिमरी टाइप में, थोड़ा उसमें जो है पिगमेंट हल्के मोटे होते हैं तो इसमें आपको लूज़ ग्लिटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन इसके बाद मैंने हाफ मून करने के बाद इसके बाद जो है मैंने फिर से अगेन टचअप दिया है उसी का ही जो हमने पहले डार्क ब्राउन अप्लाई किया था बैक कॉर्नर, और फिर इसके बाद जो है हम ब्लैक शेड अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आप लाइनर लगा दो ना बैक साइड में। तो टचअप में जैसे कि हर बार आपको बताता हूँ तो टचअप बहुत ज़रूरी होता है, यदि टचअप नहीं दोगे तो आपका जो है मेकअप थोड़ा सा डल सा लगने लगता है, तो बार बार टचअप बहुत ज़रूरी होता है। देन इसके बाद मैंने ऑलरेडी प्राइमर वगैरह सब अप्लाई कर दिया था, और इसके बाद मैं डायरेक्टली ही, मैं कोई कंसीलिंग या न्यूट्रलाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम PAC पैक का, मैं जो है फाउंडेशन अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। देन इसके बाद मैंने कोई भी कंसीलिंग नहीं किया, ये आप ध्यान रखना, मैंने वन लेयर ही फाउंडेशन की जो है लेयर दिया है। और गाइस हमारी बुकिंग चल रही है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जो है ब्राइडल बुकिंग बुक कर सकते हैं 8178408163। और अभी क्लासेस नहीं हैं, क्लासेस होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो जो है मैंने पूरे नेक एरिया और ईयर पर मैंने अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है, यदि नहीं करेंगे तो थोड़ा अलग अलग सा लगेगा ना, इसकी वजह से है ना। फिर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे PAC का लूज़ पाउडर। जी मैं जो आधे से ज़्यादा जो मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ वो मैं PAC के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, बाकी आप देख लीजिए आपको जो अच्छा ब्रांड लगे आप वो यूज़ कीजिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको PAC, क्रैलॉन, कलर बार, हुडा ब्यूटी, मैं आपको यही प्रेफर बोलूँगा तो आप यही यूज़ कीजिएगा। देन इसके बाद हम जो है कंटूर करेंगे, पाउडर कंटूर आई मैजिक का जो है मैंने कंटूर पैलेट लिया है, ज़्यादा डार्क वाला नहीं, मीडियम वाला ब्राउन शेड लेंगे, ओके। और ज़्यादा कठिन मैंने क्रीमी वगैरह नहीं दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो कंटूर भी हमें ईयर टू जहाँ तक हमारी स्माइल होती है सिर्फ वहीं तक करना है, वो कंटूर आपको अपनी स्किन की शेप के अकॉर्डिंग करना होगा ना, सॉरी फेस की शेप के अकॉर्डिंग करना होगा। तो आप देख लीजिएगा ज़्यादा चबी है तो ज़्यादा कंटूर कीजिए, नहीं है तो नॉर्मल सा कंटूर कीजिए। देन इसके बाद मैंने क्या बोलते हैं इसको, ब्लशर, देखो मैं नाम भी भूल जाता हूँ, तो इसके बाद जो है मैंने ब्लशर अप्लाई किया है। इसके बाद ब्लशर मैंने लिया था वो भी आई मैजिक का था, और इसके बाद जो है मैं मेबलिन का जेल लाइनर लिया है मैंने, जो कि मैं लोअर साइड में मैं काजल की तरह लगा रहा हूँ इसको, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ होता है, जैसे कि आपकी आइज़ जो वाटरी हो जाती है तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होने देगा, बहुत अच्छा है, एक बार आप भी इसको यूज़ करके देखिएगा, और प्रॉपर अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी देखिए,
मेरे को कमेंट जरूर कीजिए। और नवरात्रों में भी स्पेशल इन्हीं मॉडल के ऊपर नवरात्रों में माँ दुर्गा का लुक दिखाएंगे, तो आप देखना ज़रूर। देन इसके बाद मैं जो है हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम है कलर बार का। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन प्रोडक्ट आपको एवन मिलेगा और बहुत ही प्यारा है, स्किन में पूरा का पूरा मर्ज हो जाता है ना, तो बिल्कुल भी आप कंजूसी ना कीजिए प्रोडक्ट लेने में। फिर इसके बाद जो है मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कोई शेप नहीं दी। यदि आपको लिप ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट फिर से करना, मेरे लिप के ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो। देखो ऐसे अगर आप मेरे को नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मैं क्या क्या कंटेंट लेकर के आऊँ आपके लिए, है ना। तो मैंने कोई भी लिप ड्रॉ नहीं किया, मैंने नॉर्मली लिपस्टिक जो है अप्लाई कर दिया। और ये लिपस्टिक है आपकी PAC और इसमें मैंने दो शेड मिक्स करे हैं, PAC और फॉरएवर 52 का लिपस्टिक अप्लाई किया। इसमें मैंने हल्की सी जो है रेड अप्लाई किया और बहुत ही लाइट सा इस पर जैसे स्किन टोन जैसा बीच कलर जो लिपस्टिक मिक्स करी है। अगर आपको ऐसा न्यूड शेड बनाना हो तो आप कोई भी क्रीमी फाउंडेशन ले सकते हो और रेड लिपस्टिक में आप इसको मिक्स कर सकते हो। तो इसके बाद इन्होंने कहा था कि मेरे को हाइलाइटर थोड़ा भर के दो, तो मैंने यहाँ पे जो है अप्लाई कर दिया दोबारा से। और गाइस सॉरी, मैं फाइनल लुक जो है प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाया था, तो इनका फाइनल लुक देख सकते हो आप। इनका जो फाइनल लुक है वो ये आया है और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी क्योंकि बहुत ही सटल लुक था और इनको भी मेकअप अच्छा लगा था। ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो में यही कहती है ये, क्योंकि नेचुरल जितना हो उतना ही ज़्यादा बेस्ट लगता है मेकअप, है ना। तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।